students, as you all know, that the problem of novel coronavirus is on its verge, and everybody is suffering from the problem, and all the schools and institutions has been closed. So here we are, the teachers of Model Camp School Tohono, to help you in your studies by giving you online classes. So today we are going to discuss ecology unit of class 12, and the first chapter is organisms and population. So today we are discussing about these topics. The first is definition of ecology. The second is level of organization. Third is organisms and its environment. And the fourth is major abiotic factors affecting an organism. So first we will talk about definition of ecology, because the name of our unit is ecology. So here is the definition of ecology. It is the branch of science that deals with the relationship between the organisms and their environment. Ecology kya hai? साइंस की ऐसी ब्रांच है, ऐसी शाखा है जो किसके अंदर डील करती है, रिलेशनशिप. किसका रिलेशनशिप? ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट का. कि एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में किस तरीके से बिहेव करता है, ये किस किस एनवायरनमेंट चेंजेस की वजह से ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अफेक्ट होता है. ठीक है, हमारा सेकेंड टॉपिक जो है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो देखो क्या है, देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज. यहाँ पर बहुत टाइप के क्या है, लेवल्स है किसके, ऑर्गेनाइजेशन के. पहला लेवल क्या है, ऑर्गेनिज्म. दूसरा है पॉपुलेशन. तीसरा है कम्युनिटीज. और चौथा है बायोम्स. अब हम क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशन लिखकर पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के बारे में. सबसे पहला है ऑर्गेनिज्म. तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, देखो, सिंगल इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज. किसी एक स्पीशीज का सिंगल इंडिविजुअल है, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म. ठीक है, उसके बाद जो दूसरा लेवल है वो क्या है, पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या है, जब अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रुप में रहते हैं. कौन से ऑर्गेनिज्म जो ग्रुप में रहते हैं, जो क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड, यानी कि इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को बर्थ कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं पॉपुलेशन. ठीक है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन. उसके बाद क्या आती है, कम्युनिटीज. तो कम्युनिटीज क्या है, देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन. जब अलग अलग तरह की पॉपुलेशन एक साथ एक जगह पर आती है तो उसे बोलते हैं कम्युनिटीज. ठीक है, फिर जो लास्ट में आता है हार्ड टॉपिक, वो क्या है, बायोम्स का. तो बायोम्स क्या है, अ लार्ज यूनिट ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन अ क्लाइमेटिक कंडीशन. कि जब एक जगह पर बहुत बड़ी यूनिट होगी फ्लोरा और फौना की. फ्लोरा आपको पता है क्या होता है, सारा फ्लावर से रिलेटेड होता है, प्लांट से रिलेटेड होता है. और फौना जितने भी एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जब वो एक प्रॉपर क्लाइमेटिक जोन में आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बायोम. ठीक है, बायोम के एग्जाम्पल आप डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, इकोलॉजी की डेफिनेशन. क्या होती है इकोलॉजी की डेफिनेशन, एक ऐसी साइंस जो स्टडी कर रही है ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप के बीच में. फिर हमने पढ़ा अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, वो भी सबसे पहले था ऑर्गेनिज्म, फिर था पॉपुलेशन, फिर था कम्युनिटीज और फिर था बायोम्स. ऑर्गेनिज्म क्या है, एक सिंगल इंडिविजुअल है एक स्पीशीज का. ठीक है, फिर पॉपुलेशन क्या होती है, जब इंडिविजुअल्स, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या कह लो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब एक साथ इकट्ठे होते हैं. कौन से ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जो क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पॉपुलेशन. ठीक है, पॉपुलेशन के बाद फिर से क्या आती है, कम्युनिटीज. कम्युनिटीज क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन. जब अलग अलग पॉपुलेशन एक साथ इकट्ठी एक जगह पे होती है तो उसे बोलते हैं कम्युनिटीज. और फिर लास्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन आती है वो होती है बायोम्स. बायोम्स क्या है, अ लार्ज यूनिट ऑफ फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा दोबारा से बता रही हूँ मैं, क्या होती है फ्लोरा, जो भी प्लांट से रिलेटेड वैरायटीज है उसे हम फ्लोरा में काउंट करते हैं. और फौना क्या होती है, क्या होती है, एनिमल से रिलेटेड वैरायटी जो होती है उसे हम काउंट करते हैं फौना में. और जब बहुत सारे फ्लोरा और फौना एक साथ एक प्रॉपर क्लाइमेटिक जोन में होते हैं तो उसे हम बायोम्स बोलते हैं. ठीक है, और ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म कैसे बना है, सभी को पता है, एटम्स, एटम्स से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स से सेल बना है, सेल से फिर टिश्यूज, टिश्यूज से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर बनता है एक ऑर्गेनिज्म. तो ये क्या है, ऑर्गेनिज्म का लेवल है. उसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट. कि एक ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरनमेंट क्या होता है. अब देखो, एक ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा अफेक्ट उसके एनवायरनमेंट से होता है. क्यों होता है उसके एनवायरनमेंट से इतना अफेक्ट, क्योंकि वो वहां पे रहता है. जो जो कंडीशंस होंगी, अगर वो उसके लिए सुटेबल है एक ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उसका सर्वाइवल ईजी है. लेकिन अगर एनवायरनमेंट क्या हो जाता है,
हार्श हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ज्यादा कम होता जा रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, अगर कोई एक्वाटिक एनिमल है तो उसका पीएच मेंटेन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा उसका जो सर्वाइवल है वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे एग्जाम्पल से पढ़ते हैं हम, द वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर रिजल्ट इन डिफरेंट सीजन, कि क्या जो वेरिएशन है, जो बदलाव है किसके अंदर, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, कितनी ज्यादा कितना ज्यादा टेम्परेचर है और कितनी देर तक टेम्परेचर है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या बनते हैं, सीजन बनते हैं। गर्मी में टेम्परेचर की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होती है और सर्दियों में वही कम हो जाती है, ठीक है, तो उससे क्या बन गए, सीजन बन गए। और उसके साथ देखो, एंड द वेरिएशन टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, अब प्रेसिपिटेशन जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, स्नोफॉल से और रेन के साथ, ठीक है, यानी कि कितना टेम्परेचर है, कितनी देर तक वो टेम्परेचर हो रहा है, उसके बाद एनुअल प्रेसिपिटेशन की क्या क्या वेरिएशन है, मतलब कि साल के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी ज्यादा बारिश हो रही है या कितना स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है, और जो वेरिएशन है सीजन का वो कैसा है, अगर गर्मी है तो उसका उस पर क्या प्रभाव है, उसके अकॉर्डिंग क्या बनते हैं, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स, क्या बन गए, बायोम्स बन गए, सच एज डेजर्ट एंड रेन फॉरेस्ट, ठीक है। जैसे बायोम्स कैसे बने, डेजर्ट एरिया में देखो वहां पे क्या है, टेम्परेचर की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और समर के अंदर वहां पे प्रेसिपिटेशन जो है बहुत कम होती है, बिकॉज वहां रेनफॉल बहुत कम है, तो वो क्या बन गए, वो बायोम्स कैसे बन गए, डेजर्ट बन गए, ठीक है। और जहाँ दूसरी जगह जहाँ पे रेन वाटर ज्यादा होता है, रेनफॉल ज्यादा होती है, वहां पे क्या होती है, वो रेन फॉरेस्ट होते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है फोर्थ टॉपिक, इसका नाम है मेजर अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म, कि कौन कौन से अबायोटिक फैक्टर्स हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। इसमें चार पढ़ने हैं मेनली हमें, फर्स्ट है टेम्परेचर, दूसरा है वाटर, तीसरा है लाइट, चौथा है सॉइल। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर को लेकर चलते हैं, देखो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर विच अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इट्स एनवायरनमेंट। क्या है टेम्परेचर, पहला अबायोटिक फैक्टर है जो क्या करता है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर जो किसी अफेक्ट कर रहा है ऑर्गेनिज्म को भी और साथ के साथ उसके एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करता है, कि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो क्या फ्लक्चुएशन आ रही है, अगर कम हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, तो टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 0 degrees इन पोलर रीजन टू मोर देन 50 degrees सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर्स। ये अगर हम देखें सिर्फ और सिर्फ समर्स के अंदर, जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे क्या टेम्परेचर रहता है, 50 degrees सेल्सियस, और जो पोलर रीजन है वहाँ पे क्या रहता है, 0 degrees सेल्सियस, तो कितना वेरिएशन है टेम्परेचर का। इसी टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साइजेस डिफरेंट होते हैं, उनके बिहेवियर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो क्लासीफाई भी किया गया है ऑर्गेनिज्म को किसके बेसिस पे, कि वो कितना टेम्परेचर रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेंज, सबसे पहले कौन से आते हैं, यूरिथर्मल। यूरिथर्मल कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, कि अगर टेम्परेचर बार बार चेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कैट डॉग, जो कैट है वो विंटर्स में भी सर्वाइव कर रही है और समर्स में सर्वाइव कर रही है, एज वेल एज ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स, हम लोग क्या हर एक टेम्परेचर रेंज को क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जो स्टीनोथर्मल होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज, कि कहाँ तक, एक नैरो रेंज तक रुक जाते हैं, मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा चेंज हो जाएगा तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल देखो क्या है, पेंगुइन, पाइथन। पेंगुइन आपको पता है सभी को कि सिर्फ और सिर्फ कोल्ड एरियाज में होता है, पोल्स के ऊपर होता है, पेंगुइन कहीं और सर्वाइव नहीं कर सकता, उसके रेस्ट्रिक्शंस है वहां तक। तो ये क्या होते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, और ये जो दो टाइप्स हैं इसके बेसिस पे हमने क्या किया गया है, अलग अलग कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है, ठीक है।